रहे हैं। सिख मुढ़ किवें है, 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ देवी है, 1.25 लाख पैगंबर है, 84 सिद्ध है, 52 वीर है, 6 जती है, 9 नाथ है, 64 जोगणियां, 45 परम दैंत है, 10 गुरु साहिबान हैं। कोई भी मनुख दसो किसी इतिहास करे, किसी ने पढ़िया, किसी के केस कटे, सब केसा धारी है। सिख की निशानी है मुढ़ली केस से दौड़, हिंदू की निशानी है टोपी चोटी कखाई धोती, 12 तिलक मथे, नक ठोडी छाती कच्छा गल्ला कन्ना गिची कतौल, 9 तागियां दा जनेऊ, शिवलिंग दी चरणां तले गीता दा पाठी होवे, तंबाकू ना पीवे, उह सिंधु नूं मैं अपना भरा समझदा है। हिंदू धार्मिक ग्रंथां मुताबक, वैसे हिंदू नहीं, हिंदू अरबी भाषा दा अखर है, अरबी दे विच चोर नूं हिंदू कहिंदे है, इहनां दी मर्जी है। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 27 स्मृतियां, 52 उपनिषदां, 9 व्याकरण, 11 भी मनियां लोकां ने प्रणव प्रचलित है। किसी विच हिंदू अखर नहीं तुहानूं मिलेगा। ब्राह्मण ब्राह्मण ते ब्रह्मण ये अखर तां मिलणगे, पर हिंदुस्तान का कोई हिंदू नहीं कहिंदा मैं ब्राह्मण, सारे कहिंदे हिंदू है। पर जे हिंदू भी कहाउणा चाहुंदे रहिण ते ये दसणे इन्हां गल्लां दा सबूत देण, मुसलमान जिहड़ा ओह पक्का मुसलमान बणे। इस वास्ते मुसलमान भी कैंची नाल बणदा है ते हिंदू भी कैंची नाल बणदा है। जिहो जे माता दे उहदे विचों माता दे पेड़े विचों जम्मे है, जे उहो जे रहीए तां सारिआं नूं सरदार जी कह के बुलाया जाएगा। छली राम ते मुहम्मद अली ते गुलाम अली ए कह के नहीं किसे नूं बुलाया जा सकदा। इस वास्ते कुदरत दे असूल मुताबक, शक्ति दे कुदरत मुताबक, असूल मुताबक सारे सिख पिछों बदल के तब्दील किए जाते हैं। बाकी कैंची ते पछना दौड़ा ते सिरका प्रस्ती दे प्रतीक है, कृपान एकता दे प्रतीक है। इतिहासक तत्थ तुहाडे सामने मैं रखांगा। कैंची ते पछने नाल मूंह सिर मुन दिए ते हिंदू प्रतीत हुंदा, कैंची पछने नाल लवां कट के सुनत कर दिए ते मुसलमान बन जांदा, ते कैंची पछने दी वरतों ना करिए ते जम्मिया जमाया रहण दिए ते सिख है, ते गात्रे कृपान पा लिए ते सिंह है। कैंची पछने नाल कट्टे हुए केस दाड़ा नाई दी गंदी नाली च जांदे हैं, कृपान दे नाल 5 वर्ग के पछड़े हुए लोगों का सिर वढ के अमृत के बाटे को ले जाया गया, अमृत के बाटे को ले जा के अमृत छका के गुरु का रूप ही नहीं बनिया कला, बल्कि गुरु का मालिक बन गया। गुरु के शब्द मुताबक रहनी रहे सोई सिख मेरा, ओह साहेब मैं उसका चेहरा। सो इस वास्ते कृपान एकता की प्रतीक है, कैंकी से पछना दुबदा से फिरका प्रस्ती की प्रतीक है। चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई ईसाई है, चाहे कोई अंग्रेज है, सो इन्हां दे सामने ये तत्थ रख दिओ। उन्हां नूं कहो भी जैसा कुदरत ने तुहानूं पैदा करके भेजिआ है, जे तुसीं उहो जिहे रहोगे तां फिर तुहानूं लोक की कहणगे। हर एक नूं कहना पवेगा कि सानूं सरदार कहणगे, ते फिर किवें कहिंदे आ वी सिख जिहड़े है इह हिंदुआं चों निकलिआ। इहदा उत्तर हुण तुसीं दस्सो वी सिख हिंदुआं चों निकलिआ जां कि हिंदू सिखां विच्चों कैंची दे पछमे नाल कढे गए, इहदा सबूत दिओ। बाकी सिख वक्री कौम दृढ़ निश्चय वाचक, इहदे सबूत आ बेअंत। पहला तां भाई गुरदास जी दे रचना द्वारा है, भाई गुरदास जी दे बचन हन, शब्द जिती सिद्ध मंडली कीतो सो अपना पंथ निराला। पंथ का अर्थ भी तुसीं जाणदे हो भली भांत, ते निराले का अर्थ भी वखरा। बाकी मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया, इस करके सिख वक्री कौम है। दशमेश पिता जी के बचन अनुसार, जावला खालसा रहे न्यारा, तावला तेज दियो में सारा, जावे गह विपरन की रीत, विपरना पंडित दा, जावे गह विपरन की रीत, मैं ना कर इनकी प्रतीत। दशमेश पिता जी दसन की बाणी रच रहे सन, एक पंडित ने आके बहुता खदेड़िया, कहन लगा जी तुसी हिंदू हो, तुसी हिंदू हो। महाराज कहने लगे जा प्रेमी चले रखो, तू कहने कह लिया तुरदा हो, नहीं मनिया। आखिर कणगी परजी ने उत्तर दिता, छत्री को पूत हूं, ब्राह्मण को नहीं। पंडित मैं ब्राह्मण का मुंडा नहीं, मैं छत्री का पुत्र हाँ, छत्री शास्त्रधारी का नाम है। सो इस वास्ते सिख वक्री कौम है, स्वरूप करके सिख वक्री कौम है, धार्मिक ग्रंथ करके इष्ट करके सिख वक्री कौम है। 18 ता त्याग गीता दे, 30 पारे कुरान दे, कुरान के 30 पारियां विच किसी हिंदू दे स्वर्ग की प्राप्ति वास्ते कोई लिखा उठा दे विद्वान, गीता के 18 ध्यानों विच किसी मुसलमान दे देश की प्राप्ति वास्ते कोई लिखा विखा दिओ। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के सारिआं नूं थां दित्ता है, जुराहां विचों कबीर जी बैठे है, चमियारां विचों रविदास जी बैठे है, घुमियारां विचों बेणी जी बैठे है,
जटा विचो धना जी बैठे है, ब्राह्मण विचो जयदेव जी बैठे है, कसाईया दे विचो सो सदना जी बैठे है, नाइया दे विचो सैन जी बैठे है, बाल्मीकि जी नू हरिजन कहा जाता है उन्हां विचो खुर बाल्मीक आप ही विच बैठे है, दसो केड़ा फिरका जी नू स्थान ही मिलिया। इस वास्ते कबीर जी ने कह दिता है, कबीर जे दर आप जाते हो हट कर ना ही कोए, सो दर कैसे छोड़ गया जो दर ऐसा होए। इस वास्ते सिख वखरी कौम है, किसे मसीत दे तुहानू चार दरवाजे नहीं मिलणगे, किसे शिव दुआले दे तुहानू चार दरवाजे नहीं मिलणगे, गुरुद्वारे किसे विच वी जाओ तुहानू चार दरवाजे मिलणगे। हरिमंदर साहब जिथे आपां हुण बैठे हैं, इस हरिमंदर साहब दे चार दरवाजे है, चौहां दरवाजे दा बड़ा भारी महात्म है, खत्री ब्राह्मण सूद बैस उपदेश चौ वर्ण को समझा, इन्हां चौहां वास्ते चार दरवाजे खुले है। सियां सुन्नी राप जी इमाम साफी चार फिरके मुसलमाना दे वड्डे चौहां वास्ते चार दरवाजे खुले है। सो कोई चढ़दे चो लहिंदे चो दखण चो पहाड़ चो आवे चौहां वास्ते चार दरवाजे खुले है, खत्री ब्राह्मण सूद बैस आवे चौहां वास्ते चार दरवाजे खुले है। सो कोई उत्तम मध्यम कनिष्ठ ते नीच आवे चौहां वास्ते चार दरवाजे खुले है, चौ अखरा जाप वाहेगुरु मंत्र एदा उपाशक कोई आवे चौहां वास्ते चार दरवाजे खुले है। सो इसे तरह सारण मनन अध्यात्म ते तत्व दा सोधन वाला कोई आ जावे चौहां वास्ते चार दरवाजे खुले है। वैराग खट संपत्ति मोख इच्छा साधन जेड़े हन ये चार मन्ने है, इन्हां चौहां दा कोई उपाशक ते प्राप्ति वाला आ जावे चारे दरवाजे खुले है, कोई बालक अवस्था जवानी प्रौढ़ ते बिरध अवस्था वाला आ जावे चारे दरवाजे खुले है। दसो किथे इत्थे विस्कर है, इस वास्ते सिख वखरी कौम है। तुसीं बाहर विदेशां च सिख रह रहे हो, किसे मसीत विच किसे शिव दुआले विच कदे लंगर दी पंगत लगी है, हमेशा लंगर छकण नूं मिलेगा ते तुहानूं गुरुद्वारिआं विचों मिलेगा। इस वास्ते संगत ते पंगत दी एकता दा प्रतीक गुरुद्वारा है। इस वास्ते सिख वखरी कौम है। हिंदू दे घर वाले चोटी जी नूं बोधी आपां बोलदे पंजाबी विच बोधी नहीं रख सकते, हिंदू दे घर वाले टोपी नहीं लै सकते, हिंदू दे घर वाले कखाई धोती नहीं बन सकते, हिंदू दे घर वाली जनेऊ नहीं पा सकते, हिंदू दे घर वाली नूं 12 तिलक लाउण दा अधिकार नहीं, मुसलमान दे घर वाली दी सुन्नत नहीं हो सकदी, मक्के दी ज़ियारत नहीं कर सकदे, मस्जिद च जा के नमाज नहीं पढ़ सकदी, जे पढ़ सकदी है ते सन विच पर्दा पा के पढ़ सकदी है, प्रत्यक्ष नहीं सामने नहीं। ते मेरा एक प्रश्न है, एक कोई टीचर है मास्टर है ओहदे कोल दो बच्चे पढ़न आउंदे है, एक नूं मास्टर कोल बिठा के पढ़ाउंदा है, एक नूं कहिंदा मेरे मत्थे नाल लंघी, रजिस्टर विच हाजरी जरूर लाई जांदा है पर उन्हूं अखर कोई नहीं पढ़ाया, दोहां विचों दसो पास किहड़ा होवेगा। जिन्हों पढ़ाया पास ओही होवेगा, जिन्हों मत्थे नहीं लाया पास की होना है। कि जिहड़े धर्म विच इह है कि जनानी मेरी पूजा नहीं कर सकदी, जनानी मेरे दित्ते धार्मिक चिन्ह नहीं धारण कर सकदी, ओह जनानी नहीं मुक्त कौन करेगा। चलो बंदा तो भले बिस्त नूं ते स्वर्ग नूं चले जाएगा, जनानी का खूच जाएगी ना नरक विच। इस वास्ते गुरमत ते सिख वखरी कौम दा फलसफा सारिआं तों वखरा है, क्योंकि जे खंडे बाट दा अमृत मर्द ने छकिया है ते मर्द दी शादी हुई है ते घर वाली नूं अमृत कोई छकना पैणा है। जे अमृत छकाउण वेले पंजां प्यारिआं ने मर्द नूं कहा बोल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह, ते इह नहीं कि बीबी नूं कोई होर नारा दित्ता जाए, बीबी नूं भी इह नारा लाउणा, ओह भी इह बोलेगी। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਤਕਰਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਾਰਾ ਨਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਧਾਨਾ ਸਾਂਝਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾਸਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ 1756 ਬਿਕਰਮੀ ਨੂੰ 1699 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਖੜੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਿਆਨ ਚੋਂ ਤੇ ਮੰਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਓ ਕਿ ਕਲਗੀ ਧਾਰਨੀ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ